भाजपा की एक बार फिर से जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशियां मनाई। नोएडा में महेश शर्मा के फिर से सांसद बनने पर नोएडा के कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर गुलाल फूलों से होली खेलकर खुशियां मनाई। सांसद जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। देखें खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फेस्ट वॉइस, हमारे साथ हैं ठाकुर मनीष जी। मनीष जी, जिस तरीके से आज देश में रिजल्ट आया है, किस किस सरकार बन रही है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। देखो, सरकार को माननीय मोदी जी का नारा था 400 पार। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, कुछ हमारे भाई हैं जो नाराज हैं, उन्हें भी मनाने की कोशिश की जाएगी। और पूर्वांचल जिस तरीके से है, सबसे ज़्यादा असर राजा भैया का पड़ा है जी। हाँ, क्योंकि राजा भैया ने जिन जिन सीटों पर राजा भैया का भाई बाकी राजा हैं वो तो, और एक अनुप्रिय पटेल ने जो बयान दिया था, उस बयान का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मुझे तो यही कहना था, जिस तरीके से अनुप्रिय पटेल ने वो बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के पदाधिकारी हैं जैसे अमित शाह, माननीय मोदी जी, इन्हें एक्शन लेना चाहिए था। सबसे ज़्यादा असर जो सीटों पर डाला है वो माननीय राजा भैया की ओर से पड़ा। क्या मानते हैं कि यूपी में सीट कम होने का कारण क्या है? मैंने बता दिया, सीट कम होने के बाद राजा भैया हैं, वो गुंडा के राजा हैं और क्षत्रिय समाज के एक तरफा वोटर है। जिधर हाथ कर देंगे तो छत्तीस समाज वोट देगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस टिकट बंटवारे में ठाकुरों के साथ अन्याय नहीं किया भाजपा ने? यह बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, ठाकुरों के साथ इतना अन्याय हुआ है शायद ही हुआ हो। और मैं आपको बता देता हूँ, 2027 में योगी जी का चुनाव होगा मुख्यमंत्री के लिए। एक तरफा योगी जी देखेंगे, पूरे बहुमत से सरकार आएगी। लेकिन ये तो देखो भाई, पूरे जीवन भर भाजपा के साथ क्षत्रिय समाज रहा है, तन मन धन से रहा है। इस तरह हमारे राजा भैया हो गए, धनंजय भाई हो गए, पूर्वांचल से ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, ब्रजेश ठाकुर हो गए, ये हमारे इस तरीके से नाम है जो दिन रात समाज के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। और राजा भैया का तो ये था, राजा भाई भैया की अमित शाह से मीटिंग भी हुई थी। हो सकता है जिन जिन पार्टियों के, मैं बताऊँ, राजभर देखो, राजभर की कितनी सीट है, अनुप्रिय पटेल की कितनी सीट है। खुल के कह रहा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, मैं बता देता हूँ। लेकिन जिस तरीके से राजा भैया की अनदेखी करी है इन लोगों ने, इसका नुकसान इन्हें हुआ है। देखो पूर्वांचल से सीट कितनी कम आई है, और राजा भैया साथ में होते, मैं कह देता हूँ कम से कम जो अब इनका आंकड़ा 36, 37, 38 के आसपास है, वो कम से कम 65, 66, 870, 75 होता जी। और मुझे ये उम्मीद है इन सीटों में जो कि यूपी में सीटें बंटवारी हुई है, इसमें मुझे लगता है योगी जी की राय ना ली हो। तो ठाकुर साहब, क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासियों को, जिस तरीके से इस बार भाजपा की सीटें तो कम हुई हैं लेकिन भाजपा फिर भी जीती है? नहीं, मैं देश की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो सरकार भाजपा की बनेगी, इससे कोई ये ना कंसर्न रहे, दोबारा तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। धन्यवाद।